नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कई नेताओं ने अलग अलग बयान देने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस से आए नेताओं के घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता सौमित्र खान ने ऐसे नेताओं पर निशाना साधा है और उनकी तुलना कुत्तों से कर दी है। बंगाल से नई दिल्ली रवाना होने से पहले सौमित्र खान ने कहा है कि हमें दिल्ली में कुछ काम है, साथ ही बंगाल में आगे की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए हम केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। देश की राजनीति में एक बड़ा सियासी हलचल होने वाला है। खबर है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी में आने वाले ये कांग्रेस नेता उत्तर भारत से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस नेता के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर कयासबाजी शुरू हो गई है। इसे बीजेपी के मिशन यूपी 2022 की शुरुआत बताई जा रही। कई लोगों का मानना है कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता हैं और उनको पाले में लाकर बीजेपी ब्राह्मणों में संदेश देना चाहती है। कोरोना के हालात सुधरने के साथ ही किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी सियासी प्रभाव जमाने की तैयारी में है। वहीं राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन को निर्णायक दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमण के मामलों में तेजी आई थी, इससे चलते किसानों की मूवमेंट पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बीच टिकैत चाहते हैं कि फिर से आंदोलन को गति मिले। ममता बनर्जी नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर रही हैं और उन्होंने किसानों के विरोध को अपना समर्थन भी किया है। ऐसे में राकेश टिकैत उनके साथ मिलकर आंदोलन को फिर से धार देना चाहते हैं। मुंबई में समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून के आगमन के साथ ही मुंबई के लिए खतरे की घंटी भी बज गई। मौसम विभाग द्वारा मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, साथ ही समुद्र में हाई टाइड के उठने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसी दौरान समुद्र की लहरें 4.16 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में एहतियातन समुद्र के किनारों के इलाकों को खाली करवा लिया गया है, साथ ही कई टीमें नजर बनाए हुए हैं। आईएमडी मुंबई के उप महानिदेशक डॉक्टर जयंत सरकार ने बताया कि मॉनसून मुंबई पहुंच गया है। मुंबई में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 10 जून थी, लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले मॉनसून का आगमन हुआ है। इससे पहले प्री मॉनसून की बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसके कारण यातायात भी कई जगह बाधित रहा। वहीं मुंबई के हिंदमाता में सड़कों पर जल जमाव देखा जा सकता है। राजस्थान के बीकानेर में जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर को हटाने का दूसरे दिन भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जारी रखा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से महापौर को हटाया है। राज्य में हो रहे अनैतिक कार्यों को भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। गहलोत सरकार का सौम्य गुर्जर को हटाने का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार अलोकतांत्रिक गतिविधि से भाजपा की मेयर को हटाया है, वो बिल्कुल अशोभनीय है। लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें राजस्थान में पहली बार हुई है, इतिहास में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो हमारी ये मांग है कि इस लोकतंत्र वाली की जाए और इस तरह के जो अनैतिक कार्य जो लोकतंत्र में हो रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ रहा है, इस तरह के कार्य नहीं हो तो सौम्या गुर्जर की बहाली। कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना सिरसागंज में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित के परिजन आरोपियों की धमकियों से डरे हुए हैं। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव का है, जहां विगत 3 जून की रात को करीब 8 बजे एक दलित युवती शौच के लिए खेत पर गई थी। उसी दौरान 4 युवक बाइक से वहां आ गए और युवती को जबरन उठाकर ले गए। वहीं एक गांव के पास नहर के किनारे युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर 4 युवकों ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया। दुष्कर्म करने के बाद युवक युवती को वहीं खेत पर छोड़ कर चले गए। जब सुबह तक युवती घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों द्वारा उनकी खोजबीन शुरू की गई।
काफी तलाश करने के बाद युवती को घर लाया गया, जिसके बाद युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसकी भनक लगते ही आरोपी पीड़िता के घर पहुंच गए और उन्होंने मामले की सूचना थाने में दिए जाने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। इससे भयभीत होकर परिजनों ने आकार थाना सिरसागंज में मामले की तहरीर दी है। पहचान गई थी, पहचाना तुमने उसको? क्या क्या नाम उनके? एक का नाम प्रीतम और अतुल है, अजय छोटू है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो लोग गलत काम किया उन लोगों ने। क्या तुम्हारे साथ? क्या कैसे जबरदस्ती क्या उठा ले गए, क्या किया था? मैं पहले जबरदस्ती की नाम पर ही लेटरिंग कर रही थी, तहाँ पर ही फिर मुझे दवा खिला दी, पता नहीं काम पर ले गए। जब मैंने इन लोगों से मना की कि हम अपनी मम्मी को बता दें, घर पे बता दें, तो उन लोगों ने हमें मारा। क्या किया तुम्हारे साथ, ये खुल के बताओ ना, क्या गलत काम किया चारों लड़कों ने? मारपीट भी की? मारा तो मैंने बोला मैंने मम्मी से बता दें, तो उन लोगों ने हमें मारा। क्या कहा? बता देगी तो हम तेरे पापा को, तेरे भाई को मार दें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह और आबकारी विभाग टीम ने रोडवेज के पास दुकान पर बियर, देसी शराब और अंग्रेजी शराब की चेकिंग की और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने बताया कि इस दुकान से सबसे ज्यादा बिक्री होती है। जब से अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तभी से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 120 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई हुई है, कई पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई है। मुख्यमंत्री का आदेश जिस तरीके से पूरे जनपद में अभियान चल रहा है, आज किस तरीके की कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, हम और एसपी साहब दोनों यहाँ पे एक दुकान औचक रूप से चेक करने आए हैं। इसी तरह जगह जगह पे एसडीएम साहिबन, सीओ साहिबन और थानों को भी बोल रखा है, वो भी औचक निरीक्षण हर टाइम पे बिना किसी इंफॉर्मेशन के औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो पूरा महकमा इसके लिए सतर्क है और कहीं भी किसी तरह की अवैध शराब की शिकायत अगर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। अभी सब लोग सारी कार्रवाई से अभी लोग काफ़ी लोग भयभीत हैं यहाँ पे। सर, जैसा कि पूर्व में भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जहरीली शराब को लेके, तो ऐसे में एंगल जो है वो देसी शराब को पीने का ज़्यादा मामला सामने आता है, तो देसी शराब के लिए खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए? देखिए, वही सबसे इसमें बड़े दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी मुखबिरी, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने सोर्सेज से, उस पर एक्शन होता है, और दूसरा होता है कि औचक किसी उस पर जाके स्टॉक चेक करना होता है। तो उस दोनों चीज़ पे कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, जो शराब माफिया है वो सरकारी दुकान को चिन्हित करके उसमें बेचवाते हैं, सर उसके लिए किस तरह से कार्रवाई? देखिए, स्टॉक रजिस्टर इसके लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा कोई कहीं पर स्टिकर, ढक्कन, इस तरह की चीज़ अगर मिलती है वो सब भी देखी जाती है, तो वो सारी चीज़ें पे हम लोग सतर्क दृष्टि लगाए हुए हैं। सर, आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पीआरडी जवान ने जमीनी विवाद के चलते अपने पड़ोसी से मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि तमंचा लेकर मारने की धमकी भी दी। पूरा मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्वासा मौना गांव का है, जहां पीआरडी जवान ने जमीनी विवाद के चलते अपने पड़ोसी के साथ मारपीट किया और उसकी पत्नी को भी धक्का दे दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पीआरडी जवान के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। पीआरडी जवान का वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से सोशल मीडिया में, वो असलाह लहराते हुए उसका वीडियो वायरल, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, उस वीडियो वायरल को मैंने भी देखा है, उसमें मोना गांव का प्रकरण बताया जा रहा था ना, फूलपुर क्षेत्र का, मैंने उसे देखा है। उसमें एक व्यक्ति जो है एक बुजुर्ग की पिटाई कर रहा, उसका तत्काल संज्ञान लिया गया है, इंस्पेक्टर फूलपुर को मौके पर भेजा गया है और इसमें उनसे जो भी कार्रवाई है उसे करने के लिए पदा पंजीकृत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई होगी। पीआरडी जवान का वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से सोशल मीडिया में, वो असलाह लहराते हुए उसका वीडियो वायरल, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, उस वीडियो वायरल को मैंने भी देखा है, उसमें मोना गांव का प्रकरण बताया जा रहा था ना, फूलपुर क्षेत्र का, मैंने उसे देखा है। उसमें एक व्यक्ति जो है एक बुजुर्ग की पिटाई कर रहा,
उसका तत्काल संज्ञान लिया गया है। इंस्पेक्टर फूलपुर को मौके पर भेजा गया है और इसमें उनसे जो भी कार्रवाई है उसे करने के लिए मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई होगी। ईआरडी जवान का भी उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेखौफ बाइक सवार बदमाश दुकानदार को गोली मारकर फरार हो गए। आपको बता दें कि थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्र के मोहल्ला मधुगढ़ी में स्थित खोके के सामने स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हादसे में घायल दुकानदार को जिला अस्पताल भेजा गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई है। परिजनों से लिखित तहरीर प्राप्त की जा रही है। फिलहाल आज दिनांक 8/6/2021 को 4:15 बजे कोतवाली हाथरस पर सूचना प्राप्त होती है कि मोहल्ला मधुगढ़ी में चाय का खोखा लगाने वाले एक व्यक्ति को खोखे के सामने स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्कूटी सवार द्वारा उनको गोली मार दी गई है। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया जाता है। गोली मारने वाले व्यक्ति की पहचान माधव के रूप में हुई है। उसके साथ उसके अन्य दो साथी भी थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर नामजद अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 8/6/2021 को 4:15 बजे कोतवाली हाथरस पर सूचना प्राप्त होती है कि मोहल्ला मधुगढ़ी में चाय का खोखा लगाने वाले एक व्यक्ति को खोखे के सामने स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्कूटी सवार द्वारा उनको गोली मार दी गई है। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया जाता है। गोली मारने वाले व्यक्ति की पहचान माधव के रूप में हुई है। उसके साथ उसके अन्य दो साथी भी थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर नामजद अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना गोवर्धन क्षेत्र की छोटी परिक्रमा मार्ग में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर लगातार 3 साल तक दुराचार करने का मामला सामने आया है। महिला ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत थाना गोवर्धन में लिखित तहरीर देकर की। महिला के अनुसार बताया गया है कि वह महिला परिक्रमा मार्ग में दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसके साथ ही एक दीपक नामक युवक भी जलजीरा की धकेल लगाता था। दीपक ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और शादी का झांसा देकर महिला के साथ संतनगर कॉलोनी में स्थित मकान में आकर रहने लगा और उसके साथ दुराचार करता रहा। अपने साथ हुई इस घटना को लेकर युवती खबर लिखे जाने तक थाने में ही अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही थी। देखना अब ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या मामला सामने निकल कर आता है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।